आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगा हुआ है। जिला प्रशासन भी कानून व्यवस्था और आचार संहिता के चलते एक्शन मोड में चल रहा है। इसी तारतम्य में हंडिया सहित ग्रामीण अंचल में सीआरपीएफ द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। सैकड़ों की संख्या में सीआरपीएफ के जवानों ने हंडिया में भी फ्लैग मार्च निकाला। इसी दौरान उन्होंने ग्रामीणों से निर्भय होकर मतदान करने की भी बात कही। थर्ड फेज इलेक्शन जो अभी होनी है, जनरल पार्लियामेंट इलेक्शन, इस दौरान में सुरक्षा के रिलेटेड अगर मैं कहूं तो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है सीआरपीएफ के अलावा, वो यहां पे जब तक इलेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हो जाता है थर्ड फेज का, तब तक हम लोग फ्लैग मार्च करके, एरिया डोमिनेशन करके, और जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ है, नॉर्मल क्रिटिकल पूरे पोलिंग बूथ एरिया को हम डोमिनेट कर रहे हैं, ताकि जो पब्लिक है वो निर्भय होके बिना संकोच के अपनी वोट को दे सके।